फ्रांस में समुद्र के बीच एक जहाज डूब रहा है। जहाज काफी हद तक झुक भी गया है। डूबते जहाज को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन तो चलाया गया, लेकिन तेज हवाओं और लहरों के चलते काफी दिक्कतें आ रही हैं। फिर भी हेलीकॉप्टर के जरिए सभी लोगों को जहाज से निकाल लिया गया है और अब कोशिश हो रही है कि इस मालवाहक जहाज को सुरक्षित किनारे तक ले जाया जाए। समंदर में समा रहा है जहाज। जारी है डूबते जहाज का रेस्क्यू ऑपरेशन। लहरों से लड़ते इस जहाज को देखिए, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है। ये बीच समंदर में समा रहे एक जहाज को बचाने की कोशिश है। उस जहाज को जो पिछले 6 दिनों से फ्रांस के समंदर में संघर्ष कर रहा है, धीरे धीरे झुकता जा रहा है। 164 मीटर लंबा जहाज मॉडर्न एक्सप्रेस पनामा में रजिस्टर्ड एक कार्गो शिप है। इसमें 22 क्रू मेंबर सवार थे। बीच समंदर में तेज लहरों से इसका संतुलन बिगड़ गया और ये डूबने लगा। तट से करीब 270 किलोमीटर दूर इस जहाज को बचाना मुश्किल लगने लगा। इस डूबते जहाज को बचाने के लिए सबसे पहले सहारा मिला हेलीकॉप्टर्स का। तेज हवाओं के बीच 2 हेलीकॉप्टर्स डूबते जहाज के पास पहुंचते हैं। रेस्क्यू टीम जहाज को बचाने में जुट जाती है। तेज हवाओं और लहरों से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलें आती हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम के कुछ लोग रस्सियों के सहारे हेलीकॉप्टर से कार्गो शिप में उतर जाते हैं और फिर सभी क्रू मेंबर्स को निकाल लाते हैं।